2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी खुद प्रदेश के सांसदों, विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगे और इसके लिए आज से क्षेत्रवार संगठन की बैठकों का दौर शुरू होगा। आज अवध क्षेत्र से आने वाले सांसदों और विधायकों और संगठन के पदाधिकारियों की सीएम आवास पर बुलाया गया है। शाम 4 बजे से 6 बजे के बीच सीएम आवास पर अवध क्षेत्र की बैठक होगी और इसमें विधायकों के कामकाज का फीडबैक संगठन के लोगों से लिया जाएगा। आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला से। अनुभव, और क्या मालूमात हासिल है आपको इस बैठक के बारे में? देखिए, ये बड़ी बैठक है, 2022 के चुनाव के मद्देनजर एक बड़ी बैठक है और संगठन की बैठक है। अलग अलग क्षेत्र, देखिए बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश को 6 क्षेत्रों में बांटा है और उस क्षेत्र की बैठकें आज से शुरू हो रही हैं। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठकें होंगी, विधायकों को बुलाया गया है, जो जिला अध्यक्ष है उनको बुलाया गया है, सांसदों को बुलाया गया है और यही मकसद है कि फीडबैक लिया जाए। अब 2022 के चुनाव बेहद करीब है, किसे जनता पसंद कर रही है, कौन सा उम्मीदवार उतारा जाए, ये अब सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, रोड मैप तो तैयार है, क्या बातें जनता को बतानी है, क्या चीजें करनी है, सब तैयार है, लेकिन कौन कैंडिडेट हो, किसे चुनाव मैदान में उतारा जाए, कौन जीत कर आए, ये सबसे बड़ा सवाल है और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री अब फीडबैक लेंगे संगठन के लोगों से। आज अवध क्षेत्र की बैठक है। अवध क्षेत्र की अगर बात करें तो बीजेपी के 15 संगठनात्मक जिले आते हैं इसमें, और अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की तो 16 लोकसभा सीटें हैं जिनमें 13 पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 82 विधानसभा सीटें आती हैं, 67 सीटों पर 2017 में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। अब बीजेपी का जो लक्ष्य है 2022 में 300+ सीटें, तो यानी हर एक क्षेत्र से जितनी सीटें उसने पिछली बार जीती हैं या तो उतनी जीते या उससे ज्यादा जीते, तभी वो लक्ष्य प्राप्त होगा और इसीलिए आज से ये बैठकें शुरू हुई है। मुख्यमंत्री खुद फीडबैक लेंगे, जिला अध्यक्षों को बुलाएगा, विधायकों के बारे में। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आप कह रहे हैं कि सारे महत्वपूर्ण लोग जो सारे महत्वपूर्ण भूमिकाएं रखते हैं इस लक्ष्य को हासिल करने में, उन सबके साथ आज बैठक की होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।